Hi guys, this is Girish Shalwani. Welcome to my YouTube channel, The Real Vlog. If you are here for the first time, don't forget to subscribe. आज हम बात करेंगे how to sell your flat or your residential apartment at a better price, especially in old buildings. समझ लीजिए कि आपकी एक बिल्डिंग है जो 30-40 साल पुरानी है, उसमें आपका फ्लैट है. तो मोस्टली ये जो 30-40 साल पुरानी बिल्डिंग होती है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? लीकेज का. वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी है. वो 100% तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट रिपेयर करना बहुत जरूरी है. जिप्सम वॉल, प्रॉपर जिप्सम वॉल कर सकते हैं. वाटर प्रूफिंग करने के बाद जिप्सम वॉल कर सकते हैं. वॉलपेपर लगा दीजिए, थोड़ा अच्छा दिखेगा. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्विच बोर्ड्स. मोस्टली पुराने बिल्डिंग्स में पुराने स्विच बोर्ड्स होते हैं जो इतने अच्छे नहीं दिखते हैं. स्विच बोर्ड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज डोर फ्रेम. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ पेंट. पुराना घर है, बेचना ही है, मैं क्यों खर्चा करूं, क्यों पेंट करवाऊं? बट पेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या तो आप वॉलपेपर यूज करिए या तो आप पेंट यूज करिए, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू सेल योर अपार्टमेंट एट बेटर प्राइस. 5-10% का जरूर फर्क आएगा. 1 करोड़ का अगर प्रॉपर्टी वैल्यू है, आप उसके पीछे ये सब करने के पीछे अगर आप 2 लाख रुपए भी खर्चा करते हैं, तो आपको कम से कम 10-12 लाख या 15 लाख रुपए के आसपास कम से कम फर्क आएगा. अगर प्राइस में फर्क नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट इट विल हेल्प यू टू सेल दिस प्रॉपर्टी फास्ट. सो आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करिए. आपका दोस्त या आपका कोई रिलेटिव प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है तो जरूर उसको ये वीडियो शेयर करके उनको टिप्स दीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.